नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं सुधीर पांडे। रात के 10 बजने वाले हैं और घर से ही मैं आपके साथ लाइव हूं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। हरियाणा में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं। हरियाणा में कोरोना से आज जो है वो 181 मौतें दर्ज की गई हैं। 181 मौतों के साथ आज रिकॉर्ड जो है वो हरियाणा में मौतों का हुआ है। और साथ ही साथ आंकड़ों की अगर हम मामलों की बात करें तो रोज जो मामले आते हैं 15,416 आज कोरोना के नए मामले दर्ज किए हैं, जो अपने आप में आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। 181 मौतें आज हरियाणा में दर्ज की गई हैं। ये आंकड़ा बेहद ही डरावना है और सबसे ज्यादा मौत जो है वो गुरुग्राम में हुई है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे दर्शकों के से कि ये जल्दी से जल्दी जुड़े ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कितने केस कहां कहां किस किस जिलों में आए हैं। और आप भी अपने जिलों में जो केस हैं, जो मामले हैं, उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके जिले में कितने मामले हैं और क्या ताजा स्थिति है। इसकी जानकारी आप हमसे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि आंकड़े जो हैं वो कोरोना के सभी लोगों तक पहुंचाए जा सके। आज हरियाणा में जो मामले सामने आए हैं वो आखिर कितने हैं ये आपको हम बताएंगे। हरियाणा में कुल संक्रमित जो है वो 15,416 संक्रमित जो है वो एक दिन में हुए हैं और 181 मौतों के साथ हरियाणा में कोरोना ने रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ी है। और कोरोना के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन अभी सरकार ने लगाया है लेकिन कोई राहत दिखती दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में 181 मौतों के साथ आज हरियाणा जो है वो पंजाब से भी आगे निकल गया है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 170-180 के आसपास जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। अमित कोहली हमसे कैथल का पूछ रहे हैं और एक और हमारे व्यूअर जिन्होंने फरीदाबाद के आंकड़े के बारे में पूछा है। मैं सभी जिलों के आंकड़े, सभी 22 के 22 जिलों के आंकड़े जो कि स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं, उन सबको जरूर बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जिले में क्या स्थिति है। शुरू करेंगे सबसे पहले सीरियल ऑर्डर में, मैं एक बार पढ़ दूं गुड़गांव से जो कि लिस्ट में मेरे पास आई है। हम एक बार गुड़गांव से शुरू करते हैं और जो आखिरी जिला इस सूची में है चरखी दादरी, वहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सोनू फतेहाबाद का पूछ रहे हैं, जरूर बताएंगे। सोनू जी आप 2 मिनट का समय अगर दें, 2 मिनट हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको हम जरूर बताएंगे। चौधरी जी भी हैं, महेंद्रगढ़ का आंकड़ा पूछ रहे हैं। तो मैं शुरुआत करते हैं हम गुड़गांव से। गुड़गांव में 4,740 कोरोना संक्रमित नए पाए गए हैं। जी हां, 4,740 कोरोना के मामले एक दिन में गुड़गांव में दर्ज किए गए हैं और मौतें जो हैं वो डरा दे रही हैं। 15 मौतें आज एक दिन में गुड़गांव में, जो कि आईटी सिटी है और बेहद ही खास शहर अगर कहें हरियाणा का तो माना जाता है गुड़गांव। और दिल्ली में से के साथ सटा होने के कारण यहां पर आंकड़ों में वृद्धि काफी हो रही है और अब तक 537 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। 15 लोगों की जान जो है आज के दिन गई है। फटाफट मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो आप पूछेंगे वो आपको बताएंगे। जैसे यमुनानगर का पूछा जा रहा है, रोहतक का पूछा जा रहा है, फरीदाबाद की अगर मैं पहले बात करूं तो फरीदाबाद में आज 1610 मामले जो है वो कोरोना संक्रमित के सामने आए हैं और 8 मौतें हुई हैं फरीदाबाद में आज 8 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण जिनको था उन्होंने अस्पतालों में और कुछ आइसोलेशन में थे उन्होंने दम तोड़ा है, आज मौत हुई है। सोनीपत में 1171 नए मामले जो हैं वो आज दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हिसार में 985 लोगों की मौत हुई है और हिसार की अगर बात करें 985 नए संक्रमित जो हैं वो आज दर्ज किए गए हैं और मौतें जो हैं वो 15 हैं, 15 मौतें। हिसार सबसे ज्यादा डरा रहा है क्योंकि हिसार में आए दिन पिछले 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 10 से 15 से ज्यादा मौतें जो हैं हिसार में दर्ज की जा रही हैं। तो हिसार में इस समय बेहद सख्ती करने की एक जरूरत है। प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए कि हिसार के आंकड़े किस तरह से नीचे लाए जा सकते हैं, हिसार में किस तरह से सख्त लॉकडाउन या सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। अंबाला में 417 और 11 मौतें हुई हैं अंबाला में एक दिन में। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में 767 नए केस और 13
नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं मौत के। पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत में 645 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 11 मौतें जो हैं वो पानीपत में आज दर्ज की गई हैं। रोहतक में 332 नए मामले और 9 मौतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी में भी 352 नए केस, और जो कोरोना बुलेटिन जारी किया है सरकार ने उसके अनुसार आज रेवाड़ी में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। चौधरी आशीष पूछ रहे हैं महेंद्रगढ़ का, तो चौधरी जी महेंद्रगढ़ का भी आपको बताएंगे, आप बस 2 मिनट हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको सभी जिलों का डाटा दोबारा से बताएंगे, सभी कमेंट हम दोबारा से पढ़ेंगे, आपके नाम के साथ पढ़ेंगे कि आप कौन सा जिला आपका है और आप कहाँ के किस जिले के आंकड़े पूछना चाहते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी रेवाड़ी का आंकड़े का हमने जिक्र किया, तो अब हम पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में 654 मामले जो हैं वो एक दिन में सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के, और 7 लोगों की मौत हुई है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में 318 पॉजिटिव केस एक दिन में दर्ज किए गए हैं और 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यमुनानगर में 312 नए केस और 9 लोगों की जान गई है। आज बेहद डरा देने वाला कोरोना का ये बुलेटिन जो है सामने आया है। ऐसे ऐसे वो जिले जहां पर बेहद कम मामले सामने थे, बेहद कम मौतें थी, एक दिन में 2-4 लोग जो है वो जान गंवाते थे, अब वहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर 9 लोगों की मौत हो रही है, कहीं पर 11 लोगों की मौत हो रही है। आप भी अपने जिले के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके जिले की जानकारी दूं, उससे पहले हम ये बताते हैं कि सिरसा के बाद हम महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें, कोई एक दर्शक हमारे महेंद्रगढ़ के बारे में पूछ रहे थे, तो महेंद्रगढ़ में 642 केस एक दिन में दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है महेंद्रगढ़ में। भिवानी की बात करें तो भिवानी में 416 नए मामले और 10 मौतें, माफ कीजिएगा, भिवानी में बेहद डरा देने वाला आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर कहीं मौतें आज अगर दिखाई गई हैं तो वो भिवानी में हुई है। भिवानी में 18 लोगों ने 24 घंटे के भीतर दम तोड़ा है, जो कि बेहद ही डरावना, बेहद ही डरा देने वाला और हम सबको सचेत कर देने वाला एक आंकड़ा है। भिवानी के बाद हम झज्जर की बात करें तो झज्जर में 315 एक दिन में नए केस और 10 लोगों की मौत हुई है। झज्जर के बाद पलवल की अगर बात करें तो पलवल में 116 लोगों की संक्रमण होने की सूचना है और 5 लोगों की मौत हुई है। फतेहाबाद में 311 नए संक्रमित लोग पाए गए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। फतेहाबाद वो जिला है जहां पर हरियाणा ने सबसे पहले उन 9 जिलों में सख्ती की थी, उन्हीं 9 जिलों में ये शामिल है फतेहाबाद, जहां पर सख्ती सरकार ने पहले की थी। फतेहाबाद के बाद अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल में 132 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों ने जान गंवाई है एक दिन में। जींद की बात करें तो जींद में 317 नए कोरोना के केस आए हैं और 7 लोगों ने दम तोड़ा है। नूह में 107 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं और 40 जो है वो अब तक मौत का आंकड़ा है, लेकिन आज कोई भी मौत जो है वो नूह में नहीं दर्ज की गई। 38 आंकड़े दिखाए गए हैं चरखी दादरी में और यहां भी कोई मौत जो है वो नहीं हुई। तो ये आंकड़े हमने एक बार सभी जिलों के बताए हैं आपको, और अब हम बहुत जल्दी आपको आपके जिलों के बारे में बताएंगे, जो आप पूछ रहे हैं कि किस जिले में कितनी मौतें दर्ज की गई हैं, ये हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो फतेहाबाद का पूछ रहे हैं सुभाष सैनी ने कमेंट करके पूछा है कि फतेहाबाद में कितने मामले सामने आए हैं। तो सैनी साहब, फतेहाबाद में 311 एक दिन में संक्रमित जो है वो लोग पाए गए हैं और मौतें जो है वो 12 हुई हैं एक दिन में। फतेहाबाद में 12 लोगों ने जान गंवाई है और 249 कोरोना संक्रमित जो है वो अब तक दम तोड़ चुके हैं। तो ये फतेहाबाद का हिसार। तरुण सिंगला पूछ रहे हैं हिसार के बारे में, तो हिसार की अगर मैं आपसे बात करूं तो हिसार में आज 985 नए मामले जो है वो कोरोना के सामने आए हैं और 15 लोगों की जान गई है। तरुण, हिसार में बेहद ही हालात जो है वो सामान्य नहीं है। हिसार में मौतें जो है वो लगातार ज्यादा हो रही हैं। जो सरकार के आंकड़े जारी हो रहे हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो हिसार में अब तक 34,920 लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और खुशी की बात या राहत की बात अगर हम कहें तो आज अब 26,588 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 700 लोग आज भी डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन इसी बीच चिंता जरूर बढ़ा देती है जब हम
बात करते हैं कि मौत के आंकड़े जब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो 520 मौतें एक दिन में अगर जो है अब तक हिसार में हुई है, और 15 मौतें जब एक दिन में होती हैं, तो ये बेहद डरा देने वाला आंकड़ा जो है वो बन जाता है। दीपक वर्मा पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का भी आपको बताएं दीपक, कुरुक्षेत्र में 317 एक दिन में जो है 318 मामले कोरोना संक्रमण के एक दिन में सामने आए हैं, और 5 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। दीपक अगर हम आपको बताएं तो 17,658 कुल मामले जो हैं वो कोरोना संक्रमण के अब तक आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में। 17,000 से ज्यादा यानी 17,658 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह भी है कि 15,274 लोग कोरोना को मात देकर इस जंग में जीत करके घर पहुंच चुके हैं, और आज भी 95 लोगों ने कोरोना के इस संक्रमण को मात दी है और अपने घर की ओर सकुशल रवाना हुए हैं। तो आज अगर हम मौत की बात करें तो 4-5 मौतें जो हैं वो जरूर दर्ज की गई हैं। इसका बहुत ही खेद है सभी को, मौत एक भी हो तो बेहद हृदय विदारक होती है, लेकिन आज 5 मौतें कुरुक्षेत्र में होना जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि संक्रमण बहुत अंदरूनी उस जगह पर भी पहुंच चुका है जहां पर ये कोशिश की जा रही थी या ये सोचा जा रहा था कि संक्रमण वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद जबरदस्त तांडव मचा रखा है, और 204 जो है वो अब तक लोग जो वो कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं और काल के गाल में समा चुके हैं। बावल की बात करें तो बावल में आप पूछ रहे हैं दीपक तिवारी की, बावल में कब बंद होगी कंपनी, कंपनियां दीपक कंपनी के बंद होने के बारे में फिलहाल जो फैसला अंतिम निर्णय लेना है वो प्रशासन और सरकार लेगी, लेकिन मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन जरूर लगाया, और साथ ही ये भी कोशिश है कि रोजगार जो है वो ना छीने लोगों का, और जो संकट पहले पहले देश ने देखा था आर्थिक संकट उस पे दोबारा से ना जूझना पड़े। राणा जी पूछ रहे हैं, जैकी राणा जी पूछ रहे हैं करनाल के बारे में, तो करनाल का हम आपको बता दें आंकड़ा, करनाल में जैकी जी अगर हम बात करें तो करनाल के भी आंकड़े कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, 767 लोग एक दिन में कोरोना से संक्रमित हुए हैं और मौत 13 लोगों ने जान भी गंवाई है, 13 लोगों की मौत हुई है, 297 कुल जो है वो अब तक लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं कोरोना से संक्रमित, जो लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो करनाल का आंकड़ा भी कोई कुछ खास कुछ अच्छा राहत भरा नहीं है। इतना जरूर है कि सख्ती पहले से ज्यादा की जा रही है, और उम्मीद यही जताई जाती है कि बहुत जल्द कोरोना जो है वो शांत होगा, जो कोरोना का पीक अभी चल रहा है इसमें जरूर राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत कब मिलेगी देश इसका इंतजार कर रहा है कि आखिर कब कोरोना संक्रमण जो है वो खत्म होगा और लोग जो है वो फिर से बेफिक्र होकर के अपने काम धंधों पर अपने घर से बाहर निकल सकेंगे, अपने काम धंधों पर जा सकेंगे। सिरसा के बारे में पूछ रहे हैं हनी आनंद, हनी सिरसा की अगर हम बात करें तो 674 एक दिन में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 9 मौतें दर्ज की गई हैं सिरसा में, 9 लोगों की जान एक दिन में सिरसा में जो है वो कोरोना ने ली है। तो अब तक का अगर हम बात करें तो 17,112 कुल मिलाकर के लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं सिरसा में, और राहत की बात यह है कि 12,451 लोग कोरोना को मात देकर के ठीक होकर के घर जा चुके हैं और 177 लोग आज ही ठीक हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि 9 लोगों की मौत हुई है, ये बहुत ही डरा देने वाला है। गुड़गांव के बारे में पूछा जा रहा है तो हरियाणा में पहले दिन से जब से कोरोना आया है 14 महीने का वक्त बीत चुका है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित जिला रहा है तो वो गुरुग्राम है, क्योंकि गुड़गांव एक आईटी सिटी है और दुनिया देश से कई जगह से लोग यहाँ पर आते हैं काम करने। गुड़गांव में 4,740 कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 5,58,975 यानी 5.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और अकेले गुड़गांव में 1.5 लाख के करीब लोग अकेले गुड़गांव में ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं, कोरोना जिनको कोरोना ने एक बार संक्रमण हो चुका है। हालांकि
ये 72.40% जो है वो रिकवरी रेट है। इस स्पीड से, इस गति से जो है वो लोग ठीक होकर के अपने घर को जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत भी बताई गई है। छत्तीसगढ़ का हमसे आंकड़ा पूछा जा रहा है, तो मैं अपने दर्शक दयानंद गुप्ता जी को ये बताना चाहूंगा। गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम हरियाणा का ही आंकड़ा आपको दे पाएंगे, क्योंकि पंजाब केसरी हरियाणा हरियाणा की खबरों को ज्यादा तवज्जो से कवर करता है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े आप हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पेज पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको छत्तीसगढ़ और आपके जिले का आंकड़ा भी जरूर मिलेगा। तो और भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, सहारनपुर के बारे में पूछा गया। सहारनपुर भी मैं नहीं बता पाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हरियाणा के ही 22 के 22 जिलों में जहां भी आप पूछना चाहें वहां आपको हम जरूर आंकड़े के बारे में बता पाएंगे। फरीदाबाद का पूछा दीपक कुमार लखेरा ने, तो दीपक फरीदाबाद का मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आज 1610 मामले एक दिन में फरीदाबाद में दर्ज हुए हैं, और कुल मिलाकर के 81,269 लोग जो हैं अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये जरूर है कि वहां पर 81% जो है वो रिकवरी रेट है, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत और अच्छा रिकवरी रेट है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम आशा भी ये करते हैं कि ये जो रिकवरी रेट है ये बहुत जल्द 100% तक जाए, और जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है वो ठीक होकर अपने जनों के बीच में पहुंच जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि 8 लोगों ने आज कोरोना संक्रमण के कारण फरीदाबाद में जान गंवाई। तो दीपक, हमने आपको आंकड़े बता दिए हैं फरीदाबाद के, उम्मीद है कि आपको मदद जरूर मिली होगी। जींद के बारे में अशोक नरवाल ने हमसे पूछा था। अशोक, जींद की अगर मैं बात करूं तो 317 आज 317 मामले एक दिन में दर्ज किए गए हैं जींद में। तो 317 एक दिन में दर्ज होने के साथ ही कोरोना संक्रमण कुल की अगर मैं बात करूं तो 14,476 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित अब तक हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 100 लोग आज भी डिस्चार्ज हुए हैं, अस्पतालों से छुट्टी उन्हें मिली है, और 10,732 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। लेकिन चिंता की जो बात है वो मौतें हैं, मौतें नहीं होनी चाहिए। 7 मौतें जो दिखाई गई हैं ये डरा देने वाला है। लोगों से अपील है कि वो मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग जरूर करें, ताकि आप अगर संक्रमित हैं तो आपसे दूसरा संक्रमित ना हो, या आपके सामने वाला अगर संक्रमित है तो आप उससे संक्रमित ना हो। आपको ये इससे बचाने के लिए सिर्फ जरूरी जो है वो मास्क है। अगर आप मास्क पहनेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कोरोना संक्रमण से 90% तक बच सकते हैं। 90 क्या, अगर मैं बात करूं डॉक्टरों का जो दावा है तो कोरोना संक्रमण आपको नहीं होता अगर आप मास्क का पूर्ण ध्यान रखते हैं। यमुनानगर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, यमुनानगर के बारे में विजय शर्मा ने पूछा है। तो विजय जी, यमुनानगर का डाटा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। यमुनानगर में 312 लोग जो हैं वो आज कोरोना से संक्रमित बताए गए हैं, और 16,476 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि यहां भी रिकवरी रेट बेहद अच्छा है, 87% रिकवरी रेट है, जो कि बहुत अच्छा रिकवरी रेट कहा जा सकता है। लेकिन चिंता की बात वही बाकी जिलों के अनुसार जैसा वहां भी है, 9 लोगों की मौत होना बेहद चिंता का विषय है, और 9 लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं। ये अपने आप में बेहद चिंता भरी खबर, लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों लगे हुए हैं, और हम भी अपील करते हैं, प्रशासन की भी ये अपील है, और लोगों से बार बार सड़क पर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशासन के लोग आपकी हमारी रक्षा के लिए सड़कों पर हैं। आज भी डीजीपी ने भी ये बताया कि 61 के आसपास पुलिस जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जाने तक गवा दी है हमारी आपकी रक्षा में। तो हमारा भी निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि घर से बाहर ना जाना पड़े, और अगर जाएं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाएं। विजेंद्र जांगड़ा ने भिवानी के बारे में पूछा है। तो विजेंद्र, भिवानी की मैं आपको अगर भिवानी के बारे में बताऊं तो भिवानी का आंकड़ा आज कुछ अच्छा नहीं है। भिवानी ने सबसे ज्यादा हरियाणा को आज डराया है। भिवानी में संक्रमण बेशक बाकी जिलों के अनुसार कम हो, 416 लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं, लेकिन मौतें यहां पर आज सबसे ज्यादा हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें आज दर्ज की गई हैं, 181 कुल मिलाकर के 181 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 18 मौतें जो हैं वो भिवानी में दर्ज की गई हैं। ये आंकड़ा बेहद डरा देने वाला है, 18 लोगों की मौत हो जाना एक दिन में, और वो भी जब जो सरकार के जो इस बुलेटिन में आया है, स्वास्थ्य विभाग के जो इस
कोरोना के बुलेटिन में आया है उसमें अगर 18 बताई जा रही है, तो लोगों का तो ये भी कहना है कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, प्रशासन और सरकार मौतें छुपा रहा है। अगर ये सच है तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा ये कह पाना कोई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है, कोरोना संक्रमण जो है वो गांवों तक पहुंच चुका है। लॉकडाउन कहने का है, अनिल कुमार कुछ लिख रहे हैं कि कहने का लॉकडाउन है, सब पास बनवा के बैठे हैं, तो पास जिनको जरूरी है वही बनवाएं, और ये प्रशासन को देखना पड़ेगा कि किसको कितनी जरूरी कितनी जरूरत है, कितना जरूरी है उसका घर से बाहर निकला उसको ही पास दे। हालांकि प्रशासन बेहतर तरीके से इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी एक बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है, और अगर हम सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में कामयाब होते हैं तो 15 दिन के भीतर भीतर हम कोरोना की इस जंग से जीत जाएंगे, कोरोना को मात दे करके हम आगे निकल जाएंगे। दौलत डीटी पूछ रहे हैं तावड़ू का हाल, तो तावड़ू का तो नहीं, हम आपको नूह का जिले का पूरा बता पाएंगे क्योंकि जिले वाइज आंकड़ा ही हमारे पास आता है। अगर हम नूह की बात करें तो आज 107 मामले कुल जो है वो कोरोना संक्रमण के दर्ज किए गए हैं, और कुल जो है वो 3078 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात, यहां भी 80% रिकवरी रेट, लेकिन मौत आज कोई नहीं हुई और कुल 40 लोग ही जो है यहां पर मौत जिनकी हुई है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बाकी जिलों के अनुसार कम है, तो राहत की बात हम कह सकते हैं कि मौतें यहां पर कम होना एक अच्छी खबर जरूर लाता है। पटियाला के बारे में हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, हरदीप सिंह जी, मैं आपको ये बताऊं कि पटियाला के बारे में हम आपको बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। पटियाला के लिए आप हमारे पंजाब केसरी पंजाब या हमारे जगबाणी के पेज पर पे जाके वहां से आप पटियाला की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपके जिले में कितने कोरोना संक्रमण के मामले आए। तो दौलत डीटी ने रेवाड़ी का भी पूछा है, दौलत जी रेवाड़ी में भी आज राहत की खबर यही है कि मौत कोई नहीं हुई, लेकिन आंकड़े जो है वो 350 को पार कर गए हैं, 352 कुल मिलाकर के एक दिन में कोरोना संक्रमण के आंकड़े आए हैं। दिनेश आर्य हिसार का हमने बता दिया, एक बार मैं और कमेंट बाकी ले लूं, फिर से रिपीट कर दूंगा सभी जिलों को, हमारे जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको ये उनके हर जिले जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में दोबारा बताऊंगा, जो पहले पूछे गए थे उसके बारे में नहीं बता पाया। दयानंद गुप्ता जी झारखंड के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हमारा पेज जो है वो पंजाब केसरी का बिहार झारखंड, आप उस पर अगर जाएंगे तो आपको पूरा डाटा जो है वो वहां पर झारखंड का मिल जाएगा। पंजाब के पटियाला का हरदीप जी मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था। यमुनानगर का अनुज जी मैंने डाटा आपको बता दिया है, छत्तीसगढ़ का भी हम फिलहाल नहीं बता पाएंगे। मैं जो दर्शक हमारे जिनके कमेंट में नहीं ले पाया था उनके कमेंट लेने का मैं एक बार प्रयास करूंगा। जींद से विजेंद्र सिंह ने पूछा था, तो विजेंद्र जींद का अगर मैं बात करूं, इजाजत दें।